सद्भावना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जन्माष्टमी आ रही है और जन्माष्टमी पे हम कई तैयारियां करते हैं हमारे घर में लड्डू गोपाल जी के लिए। तो इसीलिए आज मैं आपके सामने मेवा पाक की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत आसान है और सिर्फ ड्राई फ्रूट से बनता है, तो काफ़ी हेल्दी है ये। तो रेसिपी शुरू करने से पहले, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं। चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। मेवा पाक बनाने के लिए हमने यहाँ एक पैन में आधा कप घी ले लिया है। गैस ऑन कर देते हैं हम। हल्का गर्म होने तक हमें घी को गर्म करना है। घी हमारा हल्का गर्म हो चुका है तो यहाँ हमने 1/4 कप गोंद ले लिया है खाने वाला, इसे हम इसमें डाल देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है, ताकि ये अंदर तक पक जाए और कच्चा ना रहे अंदर से। गोंद अच्छे से पक चुका है, अभी इसे एक प्लेट में ले लेते हैं हम। तो ये हमारा गोंद जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है, एक प्लेट में हमें ले लिया है इसे। इसके बाद यहाँ हमने आधा कप बादाम ले ली है, वो हम इसमें डाल देंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारी बादाम भी क्रिस्पी हो गई है, अब इसे भी हम ले लेते हैं एक प्लेट में। इसे भी हम अलग रख देते हैं। अब यहाँ हमने 1 कप मखाने ले लिए हैं, ये हम फ्राई करने के लिए डाल देते हैं। इनको भी हमें क्रिस्पी होने तक, हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करना है। मखाने गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो अभी इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ हमने आधा कप तरबूज के बीज ले लिए हैं, यानी मगज ले लिए हैं, तो अभी इसे भी हम फ्राई कर लेते हैं। हल्का ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई करना है हमें। बस ये भी हमारे फ्राई होके तैयार हैं तो इन्हें भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब यहाँ हमने 1/4 कप खसखस ले ली है, यानी पॉपी सीड्स, इसे भी हम हल्का भून लेते हैं। बहुत ज़्यादा हमें खसखस को नहीं भूनना है, बिल्कुल हल्का सा भून लेना है। और ये हमारी खसखस बिल्कुल भून के तैयार है। और इसी में हम अब 1 कप यहाँ पे मैंने नारियल ले लिया है कद्दूकस करके, इसी में डाल देंगे हम इसे और इसे हल्का रोस्ट कर लेंगे। हल्का सा रोस्ट करना है हमें इसे, ज़्यादा नहीं भूनना है। और ये हमारा जो खसखस और नारियल का मिक्सचर है वो अच्छे से रोस्ट होके तैयार है, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से। तो अभी हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अभी इसी पैन में हम चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1.5 कप चीनी ले ली है और इसमें 1/2 कप हम पानी डालेंगे। ये 1/2 कप पानी डाल देते हैं हम इसमें। तो यहाँ गैस ऑन कर दिया है हमने और चीनी घुलने तक एक तार की हमें चाशनी बनानी है इसकी। जब तक हमारी चाशनी बनती है तब तक हम जो हमने ड्राई फ्रूट्स तैयार करे हैं फ्राई करके, उनको थोड़ा बारीक कर लेते हैं कूट के। तो यहाँ हमने 1 छोटी चम्मच सफ़ेद काली मिर्च ले ली है, इसे हम कूट के दरदरा तैयार करते हैं। तो इसका हमने ये दरदरा पाउडर बना के तैयार कर लिया है। यदि आपके पास सफ़ेद मिर्च ना हो तो आप काली मिर्च भी ले सकते हैं इसकी जगह। और इसी में हमने 8 से 10 इलायची ले ली है, इसे भी कूट कर हम इसका पाउडर बना देते हैं। ये इलायची भी हमने पीस के तैयार कर ली है, इसे भी रख देते हैं। और यहाँ जो हमने मखाने तल के तैयार किए थे उसे हम इसमें डाल करके और थोड़ा कूट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से कूट के हमें इनको तैयार करना है। और इसको हम इसी मिक्सचर में मिला देंगे, जो नारियल और खसखस का जो मिक्सचर है हमने उसी में हमें मिला देना है इसे। तो ये देखिए, हमने सारे मखाने पीस के तैयार कर लिए हैं और हम सभी चीज़ें इसमें मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें बादाम डाल देंगे थोड़ी थोड़ी और उसे भी कूट के तैयार करेंगे। बादाम इस तरीके से हमें दरदरा कूट के तैयार करनी है। बची हुई बादाम भी ले लेते हैं हम इसमें और कूट के तैयार करते हैं। तो हमारी सारी बादाम पीस करके तैयार है, इसे भी हम इसी में मिक्स कर लेंगे। और बीच बीच में हम चाशनी को भी देखते रहेंगे। यदि आप ये सब तैयारी पहले करके रख देते हैं तो उसके बाद में चाशनी बना लीजिए। मैं दोनों साथ साथ में कर रही हूँ और बहुत इजीली आप भी साथ साथ में कर सकते हैं। जब तक हमारी चाशनी बनेगी हम ये सब तैयार करके रख देते हैं। और ये जो गोंद है
ये फ्राई करके मैंने तैयार कर लिया था। इसको हम हाथ से पीसेंगे तो ये बड़ी आसानी से पिस रहा है, तो इसे हमें कूटने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप बड़ा वाला गोंद लेते हैं, ये मैंने छोटा गोंद लिया है, यानी डायमंड कटिंग जो गोंद मिलता है मार्केट में वो लिया है, इसे पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम हाथ से ही ऐसे इसे थोड़ा बारीक कर लेंगे। यदि आप बड़ा वाला गोंद लेते हैं तो उसे आप इसी तरह से जैसे हमने बादाम और कूट के तैयार किया है वैसे ही आप उसे कूट के तैयार कर सकते हैं। इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं इसमें, सभी चीज़ लेते हैं इसमें, और इलायची और जो सफ़ेद मिर्च हमने ली थी वो भी हमने इसी में मिक्स कर दी है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे और चलते हैं हमारी चाशनी की तरफ। यहाँ हमारी चाशनी भी अच्छी उबल रही है और एक तार की चाशनी होने तक हमें इसे पकाना है। तो हमारी चाशनी हम चेक कर लेते हैं कि एक तार की हुई है या नहीं। जब इस तरह से हम गिराएंगे तो लास्ट वाली जो ड्रॉप है वो काफी देर से गिरेगी। ये देखिए, और एक लंबा तार सा बनता है। तो हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है और आप अंगुलियों में लेके भी देख सकते हैं। देखिए, अब इस तरह से हम लेते हैं जब इसे अंगुलियों में, तो ये एक तार सा बनता है, तो मतलब हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। अभी इसी समय हमें इसमें जो हमने मिक्सचर तैयार करके रखा है वो इसमें डाल देना है सारा। सभी चीज़ों को चाशनी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, अच्छे से मिक्स करके और थोड़ा सा चला लेंगे हम। और जमने वाली कंसिस्टेंसी आने तक इसे पका लेंगे। ये मेवा पाक खाने में तो टेस्टी होता ही है, साथ ही सेहत के लिए भी अच्छा होता है क्योंकि हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, तो ये काफ़ी हेल्दी होता है। तो आप ज़रूर ट्राई करें इसे और लड्डू गोपाल जी के भोग ज़रूर लगाएं इस बार जन्माष्टमी पे बना के। तो यहाँ हमारा पाक बन के बिल्कुल तैयार है और जमने वाली कंसिस्टेंसी आ चुकी है। चाशनी में डालने के बाद 2 से 3 मिनट इसे हमने पकाया है, तो अभी हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसे जमने के लिए एक थाली या एक ट्रे में ले लेते हैं। तो यहाँ हमने इसे एक बर्फ़ी जमाने वाली ट्रे में ले लिया है और इसे इस तरह से दबा के फैला लेंगे। इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और उससे पहले हम इसमें बर्फी के कट लगा लेंगे। तो आधा घंटा हो चुका है और हमारी बर्फी अच्छे से सेट हो गई है, तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। जो कट हमने लगाए थे उन्हीं कट पे हम दोबारा एक बार कट लगा करके और इसे आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि हमने ये सिर्फ ड्राई फ्रूट से बनाई है तो थोड़ी बिखरती है, तो भी आप टेंशन ना लीजिएगा। ये देखिए, इसी तरह से हम सारी जो बर्फी है यानी हमारा जो मेवा पाक है उसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा मेवा पाक बन के तैयार हुआ है, यानी हमारी ड्राई फ्रूट बर्फी बन करके बिल्कुल तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और इस जन्माष्टमी पे लड्डू गोपाल जी को ये बनाकर भोग ज़रूर लगाइए। और रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ।